गूगल ओपन करना है, वहाँ पर आपको टाइप करना है रूफस, तो RUFUS, ठीक है, रूफस टाइप करके एंटर कर देना है। और यहाँ पर जो भी पहला साइट खुलेगा यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है, तो नीचे आने के बाद यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन पे जो पहले वाला होता है रिफ्यूज 4.5 EXE, इसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, मैंने डाउनलोड कर लिया है, डेस्कटॉप पर फाइल है, इसको आप नॉर्मल ओपन कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नॉर्मल ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद यहाँ पर राइट साइड में देखिए, यहाँ पर सिलेक्ट लिखा है ना, तो यहाँ पर जो तीर का निशान है, किसी किसी का तीर का निशान नहीं आ रहा है तो अपडेट कर लीजिए, रिफ्यूज आ जाएगा। तो यहाँ से आपको डाउनलोड लेना है। ठीक है, डाउनलोड पर जैसे आप डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट साइट के डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा, और वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि विंडोज़ 11 का कौन सा वर्ज़न इसी महीने अभी अक्टूबर में अपडेट हुआ है 24H2, और यहाँ से डायरेक्ट ISO फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर अब देखेंगे, देखिए 24H2 बिल्ड नंबर यहाँ पर है, और 2024-10 यानी कि इसी महीने अक्टूबर महीने में ही ये अपडेट हुआ है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले अपडेट करना पड़ रहा था नॉर्मली, लेकिन अभी डायरेक्ट ISO फाइल ही मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर होम प्रो एजुकेशन लेना है, और थोड़ा सा आती है आर्किटेक्चर, यानी कि पहले तो यहाँ पर लैंग्वेज आएगा, तो लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश इंटरनेशनल रखना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आर्किटेक्चर यानी कि 64-bit यहाँ पर दिखाएगा, तो उसे आपको सिलेक्ट करना है। और नीचे देखिए डाउनलोड यूजिंग ए ब्राउज़र, इसे ज़रूर टिक लगा लेना। ठीक है, डाउनलोड यूजिंग ए ब्राउज़र करना है। ठीक, ब्राउज़र करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ब्राउज़र पूछेगा आपके सिस्टम पर, जो भी ब्राउज़र होगा, 2, 3, 4, 1 जो भी, मेरे पास 2 है, तो यहाँ पर मैं गूगल क्रोम सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे को IDM इंस्टॉलेशन है, तो डायरेक्ट IDM में ही चला जाएगा इंस्टॉलेशन, ये ऑटोमेटिक चला जाता है। और यहाँ पर स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास IDM नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्रोम में भी डाउनलोड शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने GB का फाइल है और कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। तो इस तरह से आप नया विंडोज़ 11 24H2 को ISO फाइल आसानी से डाउनलोड करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं।